फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में मैच खेला जाएगा। तो इस मैच का वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले अपलोड कर दिया है, अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है और आप दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आपको एक बार वो वीडियो देखना होगा। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के ऊपर आई बटन पर दे दूँगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे और बनाएंगे ड्रीम इलेवन में वन स्मॉल लीग की टीम, वन बनाएंगे हम हेड टू हेड की टीम और वन बनाएंगे हम ग्रैंड लीग की टीम। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना जिससे आप की कोई भी न्यूज़ मिस नहीं होगी और आप इस मैच में खास करके ड्रीम इलेवन में अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जो कि एकदम फ्री में है। पास में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं किसी मैच का वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाके इस ग्रुप में जो है आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो और ज्वाइन होने की जो फीस है वो है जीरो। आप एकदम इस ग्रुप में जो है फ्री में ज्वाइन हो सकते हो और आपको इस ग्रुप में अगर मैच से एक मिनट पहले भी न्यूज आएगी तो मैं आपको इस ग्रुप में जो है अपडेट कर दूंगा। इस ग्रुप में आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड और ग्रैंड लीग की टीम्स में मिलती रहेगी। तो अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है। तो जल्दी से जाके आपको इस ग्रुप में जो है आपको ज्वाइन होना। अगर आप किसी कारण से जो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वो लिंक काम नहीं करती है तो आपको अपने टेलीग्राम का जो भी नंबर है वो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल देने तो आपको मैं ऑटोमेटिकली जो है खुद से ही इस ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा। तो हम आगे बात करने वाले सबसे पहले डग आउट ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप के लिंक और मेरे रेफर कोड मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफर कोड के साथ इस ऐप में साइनअप करते हो तब आपको उसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। ये कैश बोनस आपको तभी मिलेगा जब अपना फ़ोन नंबर, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें आपको वेरीफाई करवानी होगी तभी आपको उसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा। बात करते हैं ऑफर्स के बारे में। तो ACIF का यही ऑफर चल रहा है अभी कि अगर आप इस ऐप में 500 रुपये ऐड करते हो तब आपको उसमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा जो है कैश बोनस मिल जाएगा और आप डग आउट के ऐप में किसी भी मैच का लाइव स्कोर भी देख सकते हो। हम बात करने वाले हैं जो फर्स्ट सुपर फोर का मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो हम इस मैच की बनाएंगे डग आउट की टीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी टीम में लिया है जसप्रीत बुमराह, शाकिबुल हसन, शिखर धवन, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मशरफ़ मुर्तजा, केदार जाधव, भुवनेश्वर कुमार, MS धोनी, मुस्तफ़िकुर रहीम और महमूदुल्ला। तो इन 11 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में लिया। अगर आप प्लेयर्स को चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से प्लेयर्स को चेंज भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो आपको इस ऐप में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक नहीं करना है। जैसे हम साकिबुल हसन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। सिल्वर प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको उसमें 1.25 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, गोल्ड प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको उसमें 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और प्लेटिनम प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको उसमें 2 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो आप इस तरीके से इस ऐप में जो है कैप्टन वाइस कैप्टन को आप अपनी टीम में मानो पिक कर सकते हो। तो मैंने अपने इस टीम में शाकिबुल हसन को रखा है प्लेटिनम प्लेयर, शिखर धवन को मैंने रखा है गोल्ड प्लेयर और कुलदीप यादव को मैंने बनाया यहाँ पे सिल्वर प्लेयर। तो करते हैं टीम को सेव और बात करते हैं हम लीग्स के बारे में। तो अभी इस ऐप में स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग, ये दोनों लीग इसमें अवेलेबल है। आप इन दोनों में से कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो और आप इस ऐप में अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो और जो भी आपका विनिंग अमाउंट होगा वो आप इसमें पेड टीम में भी विड्रॉ कर सकते हो और आपका इस ऐप में कोई भी प्लेयर भी मिस नहीं होगा क्योंकि आप इसमें टॉस होने के बाद भी टीम को एडिट कर सकते हो। मेरे कहने से अगर एक बार आप इसे में 100-200 रुपये ऐड करो, मुझे उम्मीद है आप इसमें 100-200 रुपये ही ऐड करोगे और अच्छा अमाउंट आप विन करके विड्रॉ कर सकते हो और ये 100% एकदम लीगल ऐप है। इस ऐप के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आगे बात करने वाले माई स्टार 11 ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को भी डाउनलोड करना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक और मेरे रेफरल कोड मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफरल कोड के साथ साइनअप करते हो तो आपको इस ऐप में 100 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा, लेकिन इस कैश बोनस को आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप अपने अकाउंट में 100 रुपये जो है डिपॉजिट करोगे। सपोज अगर आप कोई 20 रुपये वाली लीग ज्वाइन करते हो तो इसमें जो 10 रुपये हैं वो आपके कैश बोनस से कटेंगे और 10 रुपये जो है आपने डिपॉजिट किए उससे कटेंगे, तो इसमें 50-50 है। तो अगर आप इसमें कैश बोनस यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक बार इसे 100 रुपये ऐड करने होंगे तभी आप जो 100 रुपये का कैश बोनस इसमें यूज़ कर सकते हो। ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑफर्स देख सकते हो कि आपको कितने पैसे इसमें डिपॉजिट करने हैं जिससे आपको कैश बोनस का भी फ़ायदा मिल जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सेम मैच खेला जाएगा, इस मैच के हम बनाएंगे माई स्टार 11 की टीम। तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम में विकेट कीपर सेक्शन में लिया है
यहाँ पे मुशफिकुर रहीम को। अगर आप चाहते हो तो आप अपनी टीम में दिनेश कार्तिक को भी पिक कर सकते हो, एम एस धोनी, लिटन दास और मोहम्मद मिथुन, ये सारे आपके लिए सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। करते हैं बात बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा, अंबती रायटू और शिखर धवन, तो इन तीन बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मशरफी मुर्तजा और मंदी हसन, तो इन चार बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में लिया। बात करते हैं बाकी ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, तो मैंने यहाँ पे केदार जाधव, महमूदुल्ला और शाकिबुल हसन, तो इन तीन ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में लिया। करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में, तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन रखा है यहाँ पे मुशफिकुर रहीम को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है अंबती रायडू को। तो करते हैं टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू के बारे में, तो यही मेरे माय स्टार 11 के टीम का फाइनल प्रीव्यू रहेगा। इसी टीम के साथ मैं इस ऐप में खेलने वाला हूँ। अगर आप इस ऐप में एक से ज़्यादा टीमें बनाते हो तो आप अपने हिसाब से प्लेयर्स को भी चेंज कर सकते हो, यह भी एकदम 100% लीगल ऐप है। आप इस ऐप में भी खेल सकते हो और अच्छा खासा आप अमाउंट विन कर सकते हो, क्योंकि अभी इस ऐप में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। आप लीग्स भी देख सकते हो, इसमें ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, ये सारे लीग इसमें अवेलेबल। आप कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो और आप इस ऐप में अच्छा खासा अमाउंट भी विन कर सकते हो, और इसमें एक दो मैच छोड़ के फ्री लीग भी आती है, जिससे आप फ्री में भी लीग ज्वाइन करके अच्छा खासा जो है अमाउंट विन कर सकते हो। माई स्टार 11 के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको डग आउट की ऐप और माई स्टार 11 की ऐप अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को भी अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के टीम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने आपके लिए स्मॉल लीग की ड्रीम 11 की टीम बनाई है, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने अपनी टीम में लिया है यहाँ पर रहीम को, बैट्समैन सेक्शन में शिखर धवन, अंबती रायडू, मोहम्मद मिथुन और दिनेश कार्तिक, तो इन चार बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया है, शाकिबुल हसन और केदार जाधव, इन दो ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में लिया है। बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, महेंद्र हसन मिराज और मशरफ मुर्तजा को पिक करने का मेरा यही कारण है, क्योंकि यह साथ में अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं। तो इस टीम में मेरे कैप्टन का ऑलराउंडर शाकिबुल हसन को फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं और 10 ओवर पूरे करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन की। और मैंने वाइस कैप्टन बनाया शिखर धवन को, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, या आप ऐसे कर सकते हो शिखर धवन को आप कैप्टन बना सकते हो और शाकिबुल हसन को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन शाकिबुल हसन आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी टीम में शाकिबुल हसन को बनाया कैप्टन। तो ये मेरी रहने वाली है स्मॉल लीग की टीम, इसी टीम के साथ मैं स्मॉल लीग खेलने वाला हूँ। तो हम बात करते हैं कि हेड टू हेड की जो मैंने आपके लिए टीम बनाई है, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने महेंद्र सिंह धोनी को लिया है। लोग ज़्यादातर क्या करेंगे हेड टू हेड की लीग का मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग मुशफिकुर रहीम को अपनी टीम में पिक करने वाले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में और बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं, कोई इसमें जो है डाउट नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है और मुझे लगता है कोई भी हेड टू हेड की लीग में महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में पिक नहीं करने वाला है। बैट्समैन सेक्शन में रोहित शर्मा, शिखर धवन, महमूदुल्ला और मोहम्मद मिथुन, महमूदुल्ला को मुझे लगता है बहुत ही कम लोग अपनी टीम में पिक करने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में कोई भी यहाँ से चेंजेस नहीं करूंगा, शाकिबुल हसन और केदार जाधव। बॉलिंग सेक्शन में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और यहाँ पे रहमान, तो इन चार बॉलर को मैंने अपनी टीम में लिया। कैप्टन मैंने रखा रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पे शाकिबुल हसन को। अगर आप हेड टू हेड के लिए खेलते हो तो आप देख सकते हो ज़्यादातर लोग मुझे लगता है शिखर धवन को ही अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, लेकिन मैंने अपनी टीम में हेड टू हेड की टीम में रखा रोहित शर्मा को कैप्टन, और ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अगर ये आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको वन साइडली हेड टू हेड की लीग विन करा सकते हैं, और धोनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको धोनी भी वन साइडली जो है हेड टू हेड की लीग विन करा सकता है। तो यही मेरी टीम हेड टू हेड की रहने वाली है। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग के टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए टीम बनाई है। तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने अपनी टीम में धोनी को लिया है, बैट्समैन सेक्शन में अंबती रायडू, लिटन दास, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन और महमूदुल्ला को। ऑलराउंडर सेक्शन में शाकिबुल हसन और केदार जाधव को मैंने अपनी टीम में लिया है। बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और मशरफी मुर्तजा, तो इस टीम में मेरे कैप्टन का कुलदीप यादव को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पे दिनेश कार्तिक को। तो ये मेरे रहने वाले ग्रैंड लीग की टीम, तो इन्हीं तीनों टीमों के साथ में जो है स्मॉल लीग, हेड टू हेड की लीग और ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप इन टीमों के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आपको लगता है कि इन टीमों में एक दो चेंजेस होने चाहिए तो आप अपने हिसाब से एक दो चेंजेस कर सकते हो, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने हिसाब से चेंज करके कुछ से भी बेटर टीम बना के आप अच्छा विन कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम में बहुत सारी न्यूज़ जो है आती रहती है प्लेयर्स के बारे में। अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, और आपको थ्री ग्रैंड लीग की टीम भी जो है मैं टेलीग्राम में और देने वाला हूं। तो आप जल्दी से जाकर टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि एकदम फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऐप की जो है लिंक मिल जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।